नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो स्पार्क गो 2024 वर्सेस Realme C53 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 6.44 इंच जबकि C53 में 6.58 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 2.98 इंच जबकि C53 में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 0.34 इंच जबकि C53 में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो वेट दोनों फोन का सेम ही 186 ग्राम्स वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 6.56 इंचेस जबकि C53 में 6.74 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 720x1612px HD प्लस और C53 में 720x1600px HD प्लस मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 83.96% जबकि C53 में 85.52% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि C53 में 260 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और C53 की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और C53 की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और C53 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में यूनिसॉक T606 और C53 में यूनिसॉक T612 मिलता है। बात करें रैम की तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 3 GB की रैम मिलती है जबकि C53 में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें 4 GB, 6 GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 64 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि C53 में 2 विकल्प देखने को मिलता है जिसमें 128 GB 64 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में अप टू 1 TB जबकि C53 में अप टू 2 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 4 कलर्स जबकि C53 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है
जो कि 3 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 6699 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें C53 की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 8736 रुपीस, 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 9179 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 11999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 में 6 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें रियलमी C53 की तो उसमें 7 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में C53 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में C53 आगे है। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।